बना रहे हैं फ़िश फ्राई। ये फ़िश फ्राई बिल्कुल सिंपल है और सिंपल के साथ में बनने में बहुत टाइम नहीं देती ये फ़िश। और इस फिश का नाम है सोल, और इसमें एक कांटा था वो हमने निकलवा दिया है। पहले फ़िश को हम करेंगे मैरिनेट 20 मिनट के लिए। देख सकते हैं जो फ़िश के आपके जो फ़िश के पीस होना चाहिए ना बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि ये 50 ग्राम के एक पीस है। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं तो इसमें 2 हरी मिर्च काट के ज़रूर डालें। और ये फ़िश हमारी सिर्फ 500 ग्राम है। इसमें डालेंगे नमक, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। और ये बेसन आपको भुना होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। तो आपने जब फिश को मैरिनेट करना है तो इस तरह से हल्के हाथों से उसमें लगाना है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिश आपकी टूट जाएगी, क्योंकि इसमें कांटा नहीं है इसलिए टूटने का चांस ज़्यादा होते हैं। अब इसको आप 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमने तेल रख दिया है, और तेल भी आपका मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए, और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठी आंच में यानी कि मीडियम गैस पे। और कभी फिश फ्राई करना जो स्किन होती है ना उधर नहीं रखना आपने। हमने पांचों फिश जो है ना इस तरह से रख दिया है। फिश की पहचान क्या होती, कैसे पकती है, जैसे जैसे पकती जाएगी ये छोटी फिश होती जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो आपने चिमटा के सहारे इस तरह से आपने इसको पकाना है। ये देखो छोटी हो रही है ना, इसका मतलब कि फिश हमारी वो कुक हो रही है। और देख सकते हैं कि पैन में हमारी फिश नहीं लग रही है। आपने इसको बिल्कुल फुल तेल पे नहीं डालना है, यानी कि बहुत सारे ऑयल में, नहीं तो इसमें तेल भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और ये हमारे ड्रिंक के साथ, या कोई घर में गेस्ट आ जाए तो तुरंत आपकी ये 20 मिनट बनकर रेडी होने वाली फिश है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड पकने में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और दूसरा तरीका चेक करने का, अगर आपने कंफ्यूज हैं तो इसमें चाकू बीच में मार के या टूथपिक मार के देख सकते हैं, अगर अंदर चला जाएगा तो समझ लेना कि फिश आपकी बिल्कुल अंदर से कुक है। पहली बार फ्राई करते ही वक्त आपको पता चल जाता है कि फिश हमारी ये पक चुकी है। अब हमने 2 मिनट वेट कर लिया है इसको। जो पीस आपके पक चुके हैं, जो पहले डाले थे वो आप निकाल सकते हैं, वो साइड का पक चुका है। अब एक एक करके हम सारी फिश निकाल लेंगे। सबसे पहले जो पहले डाले थे वो निकालेंगे। इस तरह से तेल आपने निचोड़ लेना है इसका। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इतनी आसान रेसिपी आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।